एवरीवन, हेलो डियर मॉम्स। आज मैं बच्चों को सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप मेरे बस आइडियाज़ ले लीजिएगा और अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। सेकंड चैप्टर है केंद्रीय विद्यालय का, EVS का सेकंड चैप्टर, क्लास फर्स्ट सेकंड चैप्टर, दिस इज़ अबाउट माई बॉडी। तो इसमें पूरा बॉडी का एक्सप्लेन करना है बच्चे का। तो बच्चे जब हमारा बच्चा 8 मंथ्स या 1 ईयर का होता है, तभी हम बच्चे को आइडेंटिफाई कराने लगते हैं कि व्हाट इज़ द वो, वेयर इज़ योर नाउज, वेयर इज़ योर आइज। इस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कराते हैं और वही प्रोसेस प्ले में चलती है, वही नर्सरी में चलती है। LKG के लास्ट में बच्चे को कुछ ही बॉडी पार्ट्स लाइटली जो नज़र आते हैं, हेयर, नोज, माउथ, नेक, चेक्स एंड आइज, ईयर, फॉरहेड नहीं सिखाते इतनी जल्दी, फॉरहेड भी सिखा सकते हैं, हेयर्स, हैंड एंड लेग्स एंड फुट, ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो ओरल में बच्चे को हम आइडेंटिफाई कराते हैं विद स्पेलिंग्स LKG के लास्ट मंथ में, ईयर ऑफ द लास्ट ऑफ द ईयर आप बच्चे को आइडेंटिफाई विद स्पेलिंग्स करा देते हैं। फिर UKG में अच्छे से स्पेलिंग्स एंड विद पिक्चर्स और 2-3 तरीके से न्यू एग्जाम। ये देखिए, मैंने बच्चे के लिए कुछ ऐसी वर्कशीट्स बनाई हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी मैं बच्चे को आइडेंटिफाई कराऊंगी उनको खुद से। ये क्लास फर्स्ट के लिए मैंने रेडी किया है, क्योंकि UKG में बहुत सारी स्पेलिंग्स लर्न करा चुके होते हैं LKG के लास्ट में, फिर UKG में विद स्पेलिंग्स अच्छे से परफेक्ट कर देते हैं। स्पेलिंग्स करीब 20 बॉडी पार्ट्स ने हम लर्न करा चुके होते हैं। फिर क्लास फर्स्ट में क्या लर्न कराना है वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बॉडी का एक बॉडी स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, और फिर बच्चे को इसी में ही जितने बच्चे को अच्छे से याद है स्पेलिंग्स वो राइट करेंगे, जो नहीं आएंगे वो मैं लिखूंगी। फिर उसके बाद बच्चे को वही देख देख के बच्चा इसमें भी यहाँ राइट करेगा, तो इससे 2 times लर्न हो जाएगी स्पेलिंग्स। फिर मैंने ये देखे ओनली फेस का मैंने पिक्चर बनाया है, उसमें से जितने भी फेस से हैं रिलेटेड वो सारे वो बच्चे को यहाँ राइट करवाने हैं मुझे फेस के। फिर ये अलग से फेस में आईज और लिप्स ये हैं, तो ये तो इसी में ही आ चुके हैं, तो बच्चे को यहाँ पे स्पेलिंग्स तो 2 times लर्न हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ मैचिंग करवाऊंगी, तो मैचिंग से 3 times लर्न हो जाएंगे बच्चे को। फिर यहाँ पर लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि हाउ मैनी ऑफ ईच बॉडी पार्ट्स डू यू हैव, तो कितने कौन सा बॉडी पार्ट कितने हैं, हाउ मैनी, तो हैंड्स 2, तो इस तरीके से नंबर्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स बच्चे को राइट डाउन कराने हैं। तो नॉर्मल बच्चे को अच्छे से आ जाता है कि आइज 2 दिख रही हैं, बच्चे से खुद ही उसका आंसर निकलवाइएगा, तो इससे बच्चों को ये भी लर्न हो जाएगी। फिर इसका आप रिविज़न भी करा सकते हैं। फिर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ डू हेल्प हैंड्स, तो हैंड आपको किस तरीके से हेल्प करता है, तो आप ये मैंने सिर्फ वर्ड्स लिखवाए हैं, बच्चों को यही वर्ड्स लर्न कराने हैं। मैंने यहाँ 5 sense organs का लिखा है कि आई स्मेल विद माई नोज, आई टेस्ट विद माई टंग, आई सी विद माई आईज, आई हीयर विद माई ईयर एंड आई टच एंड फील माई स्किन। तो ये 5 sense organs भी मैंने राइट करवा दिए हैं। तो ये तो बात हो गई है टाइप्स कितने तरीके से आप लर्न करा सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में है दिस इज़ माय बॉडी, तो बच्चा अपने आप ही उसको लर्न करना है। माय बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, आई हैव अ हेड, 1 head, आई हैव अ नेक, 1 neck, आई हैव अ 1 chest, आई हैव अ 1 stomach, आई हैव अ 2 shoulders, आई हैव 2 arms, आई हैव 2 elbow, आई हैव 2 hands, आई हैव 5 fingers इन ईच हैंड, 5 fingers, 5 fingers। आप उस बच्चे अपने बच्चे से खुद ही काउंट करवाएंगे। आई हैव 2 legs, आई हैव 2 knees, आई हैव 2 feet, आई हैव 2 elkin भी आप पूछ सकते हैं, कन्फ्यूज़न ना रहे बच्चे को। आई हैव 2 foot, आई हैव 2 legs, इस तरीके से। आई हैव 2 toe,
टो इसमें हैं तो कितने टू टू हैं, स्मॉल टो, लार्ज टो, 10 टो, हाउ मैनी, 5 टो, 1 in 1 leg, 1 leg, 5 leg, 5 toes एंड 2 leg, 2 10 toes. द स्किन कवर द होल बॉडी, और स्किन है हमारी पूरी पे, पूरी बॉडी पे वो स्किन है. तो बच्चों को बताएंगे कि स्किन का फंक्शन क्या है. स्किन हमें फील कराती है व्हेन टचिंग समथिंग. फिर इसमें एक एक्सरसाइज है, पॉइंट टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड नेम इट लाइक दिस. तो दिस इज माय बॉडी, यहाँ पे बॉडी राइट करवाएंगे. नेम देम वाई फीलिंग इन द ब्लैंक, तो फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में उस बॉडी पार्ट का नाम लिखना है जो यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है. तो आर्म, दिस इज एन आर्म्स. एन और ए का यूज़ मैं आपको इंग्लिश में बता चुकी हूँ, इंग्लिश में, इंग्लिश की एक्सरसाइज जो मैंने इंग्लिश की वीडियोस बनाई इंग्लिश सब्जेक्ट की, उसमें मैंने एन और ए का यूज़ बताया है. तो दिस इज एन आर्म्स, दीज आर लेग्स, दिस इज अ चेस्ट, दिस इज अ चेस्ट, दिस इज अ लेग्स, एंड दिस इज अ नी, दिस इज हेड, दिस इज अ फिट, फुट, सॉरी फुट. अब इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी और है, काउंट विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर डबल एंड विच आर सिंगल. कौन सी बॉडी पार्ट्स आपकी डबल है, कौन सी बॉडी पार्ट्स आपकी सिंगल है. तो आप बच्चे को राइट करवाएंगे कि आई हैव टू आईज, टू लेग्स, टू टू लिप्स, टू ईयर्स एंड टू शोल्डर्स. जो भी आप बच्चे को अच्छे से याद हो रहा हो बता सके वो. आई हैव वन तो नोज एंड वन नेक, वन स्टमक, इस तरीके से जो वन सिंगल है वो वन टंग, तो चिन, वन चिन, इस तरीके से बच्चे को जो सिंगल बॉडी पार्ट है उसमें वन में लिखवाएंगे. तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, माय फेस. ऐसे ये बॉडी पार्ट में ही आता है, लेकिन आपके इस बुक में, केंद्रीय विद्यालय की बुक में 3rd chapter दिया है, तो मैं उसी तरीके से 3rd chapter पढ़ाऊंगी. तो आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, एग्जाम्पल्स भी आपको पसंद आए होंगे. तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो. किस बॉडी पार्ट से हम क्या क्या हेल्प करते हैं ये भी चीज़ें मैं आगे बताने वाली हूँ, और पूरे सारे फंक्शंस क्या क्या हैं सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. कॉन्टेंट्स 32 हैं, तो मैं 1 by 1 टीच करूँगी, ज़्यादा समय ना लेते. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए.